नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 जून गुरुवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई में मंत्री परिषद फेरबदल विस्तार संभव हो सकता है। ताजा घटनाक्रम के बाद पायलट कैंप को साधने की कोशिशें हो सकती हैं। जानकार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पायलट कैंप के 3 से 4 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा और मुरारीलाल मीणा मंत्री पद के दौड़ में शामिल हैं। और वहीं इंद्राज गुज्जर, मुकेश भाकर, वेद प्रकाश सोलंकी संसदीय सचिव बन सकते हैं। हालांकि पहले कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार होगा। राजस्थान सरकार में अभी 21 मंत्री हैं, जबकि 30 मंत्रियों का कोटा है। ऐसे में प्रदेश में 9 नए मंत्री और बनाए जा सकते हैं। बसपा को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए 6 में से 2 विधायकों को भी मंत्री पद मिल सकता है। कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को भी वफादारी का पुरस्कार मिल सकता है। ऐसे में अगर हुआ मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार तो 2.5 साल में यह पहला विस्तार होगा। विस्तार के साथ ही कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुछ विधायकों में नाराजगी बढ़ सकती है। ऐसे में मंत्री नहीं बनने वाले विधायकों को बोर्ड और निगमों में नियुक्तियाँ देकर संतुष्ट किया जा सकता है। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती का असर अब दिख रहा है। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर नए आईटी नियमों को मानने को तैयार हो गया है। ट्विटर ने सरकार से पत्र लिखकर कहा है कि नए आईटी नियमों के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों ही केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी थी और नियम न मानने पर परिणाम भुगतने को कहा था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ट्विटर ने सरकार को खत लिखकर कहा है कि नए नियमों से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी 1 हफ्ते में सरकार को सौंप दी जाएगी। 5 जून को सरकार की अंतिम नोटिस के जवाब में ट्विटर ने कहा कि वह नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए उचित प्रयास कर रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के वैश्विक प्रभाव के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहा है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी थाना क्षेत्र के गुज्जर बड़ौदा गांव में पेमा की ढाणी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पानी के टैंकर की चपेट में आने से 4 साल के बालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बालक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि बालक हिमांशु को अनियंत्रित टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी टैंकर चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर जिले के झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक युवती से 2 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपी ठग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दी है कि इंस्टाग्राम के जरिए उसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर लाखों रुपए का मुनाफा कमाने का झांसा दिया और उसे 2 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र के डिगाल में बदमाशों ने एटीएम रुपए पार कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बदमाशों ने एटीएम मशीन को तोड़कर 2,08,000 रुपए चोरी कर लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि एक दिन पूर्व ही एटीएम में 1,50,000 रुपए रखे थे। बदमाशों ने पहले एटीएम को गैस कटर से काटा, फिर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरों के तार भी काट दिए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान में चिकित्सकों की कमी पूरी होगी। मिली जानकारी के अनुसार सेवारत कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सकों को नियुक्ति दी गई है। प्रदेश में 463 चिकित्सकों को प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर नियुक्ति दी गई है। इन चिकित्सकों को मेडिकल कॉलेज बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर के मेडिकल कॉलेज से पीजी करने वाले चिकित्सकों को नियुक्ति दी गई है। सीकर जिले में एक नाबालिग पर लड़की भगाने के आरोप में उसको जंजीरों में जकड़ कर रखने का मामला सामने आया है। सजा के तौर पर उसे चूड़ियां और महिलाओं के कपड़े पहनाए गए। इतना ही नहीं, बकायदा उसका मेकअप करके वीडियो भी बनाया और वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर उसे देखा तो परिजनों को घटना का पता लगा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग को तलाशा तो वह खाटू श्याम जी में मिल गया। पुलिस ने बताया कि सांगरिया में प्याज खोदने के काम करने वाले युवक ने बताया कि 2 जून उसके छोटे भाई को कुछ लोग किशोरपुरा के ढाणी पाटन में ले गए थे। उनसे एक युवक सांवरमल का फोन आया कि तेरा भाई समाज की एक लड़की को भगाकर ले गया था, उसे पकड़ रखा है, बदले में 90,000 रुपए मांगे। पीड़ित ने शिकायत में वीडियो में नजर आने वाले लोगों को पहचानते हुए सांवरमल, दिलीप, सुनील व हरि सहित 20 लोगों को पहचाना है। वीडियो पहाड़ी के पास सांवरमल के घर के बाहर बनाया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
जयपुर जिले के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में स्थित मैक्सिमा हार्ट अस्पताल में डॉक्टर मुरारी द्वारा महिला नर्सिंग कर्मी से दुष्कर्म के मामले के बाद जयपुर के ही चोमू के एक निजी अस्पताल में महिला से दुष्कर्म होने की जानकारी सामने आई है। पीड़िता ने चोमू थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए अस्पताल के वार्ड बॉय पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि काम दिलवाने के बहाने आरोपी उसे अस्पताल के चैंबर में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के सूरजपुर थाना क्षेत्र में 21 मई को हुई रास के पशु ऊंट की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा भोपा के कहने से ऊंट की हत्या की गई थी। इसके बाद आरोपियों ने ऊंट की कटी हुई गर्दन अपने ही घर के बाहर दफन कर दी थी, ताकि उन पर आ रही परेशानियों को दिव्य शक्ति दूर कर दे। ऐसा होने से पहले ही पुलिस ने आरोपी राजेश अहीर, शोभालाल चेतन और रघुवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में राजेश डेयरी संचालन करता था, जहां लगभग 30 से 35 गाय है। पिछले कुछ वक्त से गायों की तबीयत खराब होने के साथ ही उनके द्वारा दूध कम दिया जा रहा था, जिससे परेशान होकर राजेश ने अपनी समस्या डेयरी संचालक चेतन को बताई, जिस पर चेतन ने राजेश को टोने टोटके से उसकी समस्या का समाधान होने की बात कही। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.